फ्री फायर का न्यू अपडेट भी आ चुका है। नया अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर में चेंजेस की गई, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ये तीन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर आप इस कॉम्बिनेशन में यूज करोगे इस टाइम में तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कौन से कैरेक्टर है तो इसका नाम है ओरियन, तत्सुया एंड के। स्टार्ट करते हैं हम नंबर थ्री से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर थ्री कैरेक्टर है अपना ओरियन कैरेक्टर। फ्री फायर में सबको लगा था इस कैरेक्टर में चेंजेस होने वाली है, लेकिन फ्री फायर ने इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए इस कैरेक्टर का मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं क्या क्या लेना है आपको। सबसे पहले आपको मिगुएल कैरेक्टर को इक्विप कर लेना है, इसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हम लोग नंबर टू पे से चूज करेंगे। नंबर टू पे से मैं आपको यहाँ पे एंटोनियो कैरेक्टर को इक्विप कर लेना है, ओके। इससे आपको शील्ड पॉइंट मिलता है, वो भी 30 शील्ड पॉइंट, तो मैंने एंटोनियो ले लिया। उसके साथ ही नंबर थ्री पैसिव को आप इक्विप कर लेना। नंबर थ्री पैसिव है जिससे आप लोग एक्टिव स्किल ऑन करोगे तो आपको मिलेगा 50 सेल्ड पॉइंट। तो सबको पता चल चुका है सानी कैरेक्टर, तो हम लोग यहाँ पे सानी कैरेक्टर को भी इक्विप करेंगे। तो ये है ओरियन का कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट। अब चलो गेम पे टेस्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं गेम पे। मेरे पास है ओरियन, मिगुएल, एंटोनियो एंड सानी कैरेक्टर। अब देखो फ्री फायर में ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपको ईपी बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। देखो गाइस कैसे हम लोगों के पास मिगुएल है एंड ओरियन कैरेक्टर से आपको क्या होगा, यहाँ पे बंदा जल्दी नहीं मार सकता जब तक आप ओरियन बने रहोगे। तो 3 सेकंड के लिए हम लोग ओरियन बना सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, आप लोगों के पास आप लोग आना चाहिए ओरियन किस तरह से यूज किया जाता है, मैं आपको सिखा रहा हूं। आप लोग यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वैसे आपको करना है, ओके। मैं आपको दिखा रहा हूँ गेम प्ले, आप बस देखते जाओ। तो ऊपर ना बहुत सारे एनिमी है कैंप कर रहे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऊपर चला गया। देखो ओरियन बनने के साथ साथ ये दोनों बंदा कंफ्यूज हो गया, भाई किसे मारे इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ इसको नॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सानी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जैसे मैं ओरियन बनता हूँ हर बार मुझे शील्ड पॉइंट देखे जाता है सानी कैरेक्टर, वो भी 50 शील्ड पॉइंट। एंड वापस हमारे पास एंटोनियो को भी शील्ड पॉइंट आ जाता है, रीजनरेट हो जाता है एंटोनियो, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बहुत खूब। तो यहाँ पे यही बात है, आप यहाँ पे दो तीन बंदे को भी इजिली क्लच आउट कर सकते हो। बस वही बात है, आपके पास कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस वाले कैरेक्टर होना चाहिए, ओरियन कैरेक्टर। लास्ट वाला प्लेयर बचा था तो मैंने खत्म कर दिया, यानी यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है बुइया। तो ये कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट है, तो आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे, तत्सुया कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट। दोस्तों देखो तत्सुया कॉम्बिनेशन में थोड़ा छेड़छाड़ किया गया है, पहले इसमें 45 का कूल डाउन था, अब ये 60 सेकंड का कूल डाउन मिल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, आप पैट में क्या करना, आप पैट में रॉकी पैट को इक्विप करना, इससे आपको थोड़ा यहाँ पे कूल डाउन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोग को जल्दी से अपना स्किल भी रिचार्ज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तत्सुया को पहले इक्विप करेंगे, नॉर्मल तत्सुया नॉर्मल है, बस कूल डाउन में थोड़ा ज्यादा कर दिया, वही बात है, इसलिए मैंने आपको पैट चेंज करने के लिए बोला। बाकी देखो मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो गाइस क्या क्या लेना है, क्योंकि देखो अभी के टाइम में क्या चल रहा है, डीबी कैरेक्टर फ्री फायर में तत्सुया एंड डीबी बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, इसलिए सबसे पहले डीबी लेंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एंटोनियो कैरेक्टर को इक्विप करना है, ओके एंटोनियो, यस माय फ्रेंड एंटोनियो, तो इसको भी लेंगे। एंड यहाँ पे एक मूवमेंट वाली कैरेक्टर लेंगे, उसका नाम है केली दास स्विफ्ट, ये कैरेक्टर आपको बहुत काम आने वाला है मूवमेंट करने में। तो ये है तत्सुया का कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट। तो अब चलो गेम में टेस्ट, तो हम लोग देख रहे हैं तत्सुया कॉम्बिनेशन। एंड इस कॉम्बिनेशन में आप लोगों थोड़ा गेम प्ले भी आइडिया दे रहा हूं, देखो इस टाइप से अगर आप लोग रस कर रहे हो, क्योंकि तत्सुया ना रस करने में बहुत काम आता है, अगर आप लोग छुप के रस कर रहे हो, एनिमी का पोजीशन पहले आप लोग ले लो गाइस, एनिमी से पहले आप उनके जगह में अड्डा लेके बैठे हो, अड्डा देके बैठे हो, ठीक है, अड्डा करके बैठे हो, तो वही बात है गाइस, वो लोग जैसे पहले आएगा हम लोग उनको खत्म कर देंगे। तो इनका यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया कि उनको जगह में आने दो, मैं उनको जगह में पहले खत्म कर दूं, तो मैं जाके उनको एक मैंने नॉक किया, ठीक है, यहां पे दो बंदा को नॉक कर दिया। अब यहां पे मेरा टीममेट भी नॉक था, तो इसको मैं रिवाइव तो नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे देखो यहां पे आइडिया था इनको रिवाइव देने का फायदा है भी नहीं, या फिर रैंडम प्लेयर है तो इनको रिवाइव देकर उतना भी खास बात नहीं, आपको बस दिखाना था इसलिए मैंने इसको रिवाइव भी नहीं दिया। लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव करना ये हमेशा याद रखना, ठीक है, मैं तो यहां पे नहीं दे रहा हूं गेम प्ले दिखाने के लिए। लेकिन यहां पे देखो प्लेयर जैसे आ रहा, लास्ट प्लेयर बचा था, तो यहां पे इस प्लेयर को यहां पे खत्म कर देता, ठीक है। तो यहां पे कैरेक्टर यही कि डीबी बहुत एक्यूरेसी दे रहा था, एंटोनियो आपको सील पॉइंट दे रहा था, केली आपको यहां पे मूवमेंट दे रहा था, कॉम्बिनेशन बेस्ट यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नंबर 1 पे, के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। दोस्तों के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फ्री फायर में अब इसको ज्यादा यूज करेंगे, ओके, क्योंकि देखो गाइस मैं इसका कॉम्बिनेशन जान चुका हूं क्या कॉम्बिनेशन सही होगा सीएस में, क्योंकि बीआर में हम लोग को पता है क्या कॉम्बिनेशन सही रहता है, लेकिन सीएस में भी मुझे पता चल चुका है कॉम्बिनेशन आफ्टर अपडेट। देखो के कैरेक्टर ईपी और एचपी होता है, स्टेज में काम करता है, लेकिन अब यहां पे क्या कॉम्बिनेशन देखो पैसिव में इक्विप करना है वो ध्यान से देखते जाओ। तो ये थोड़ा हम लोग सर्वाइविंग सर्वाइव बोल सकते हो एंड थोड़ा एचपी इंक्रीज करने बहुत काम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लियोन कैरेक्टर को इक्विप कर लेंगे। लियोन कैरेक्टर आपको एचपी देता है, वो भी 60 एचपी, बहुत काम आने वाला के कैरेक्टर के साथ, आपको लाइव प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए आप। उसके बाद नंबर 2 पैसिव चूज करो, क्या करना है आपको, देखो यहां पे आप लोग फॉर्ड कैरेक्टर को इक्विप कर लेना। फॉर्ड कैरेक्टर आपको मिलता है यहां पे फॉर्ड से 30 एचपी, कोई बंदा अगर आपको हिट करेगा तो इसलिए मैंने आपको फॉर्ड दे दिया। फॉर्ड के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहां पे शील्ड पॉइंट वाला कैरेक्टर को इक्विप कर लेंगे, उसका नाम है एंटोनियो कैरेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन लगभग हर एक कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, इसलिए सोचा गाइस इसमें भी आपको दे दूं, आप इसके जगह में दूसरा भी ले सकते हो। लेकिन चलो गेम में आपको थोड़ा टेस्ट करके
भी बता रहा। तो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा यूनिक टाइप का कॉम्बिनेशन, वो है के लियोन फॉर्ड एंड एंटोनियो, जो हम लोग बीआर में बहुत यूज करते हैं के कैरेक्टर का। आज मैंने सोचा इसको सीएस में यूज करके देखें एंड इसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट बनता है कि नहीं, वही मैं टेस्ट कर रहा हूं। देखो आप लोग मेरे साथ बस बने रहो, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाए, चिंता मत करो, क्योंकि आप लोगों को पता है के कैरेक्टर ईपी एंड एचपी का किंग माना जाता है, तो वो इसलिए मैंने सोचा इसको टेस्ट किया जाए। देखो यहां से जैसे हम लोग आए तो यहां पे प्लेयर भी कैम करा, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी भी यूज किया जाना चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रेटजी बना के खेलते हैं। तो यहां पे अभी तक तो सही चल रहा है। अभी देखो गाइस, मुझे कोई बंदा अगर हीट करेगा तो यहां पे क्या काम करेगा आपको पता है, फॉर्ड कैटर सीधा एक्टिवेट, सीधा फॉर्ड कैटर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उसी टाइम में एंटोनियो भी है, अब एंटोनियो तो सील एचपी दे रहा है, अब सील एचपी पहले तो हम लोग सील एचपी फटेगा, उसके बाद ही मेन एचपी में इफेक्ट होगा। तो यहां पे यही चल रहा है कि लियोन भी अपने पास है, तो 60 एचपी लियोन भी दे देगा, तो इसलिए यहां पे ना एचपी मैं जल्दी कमा नहीं गाइस। एंड अपना डीबी कैटर भी अगर होगा ना तो यहां पे डीबी कैटर भी बहुत काम आएगा, लेकिन हम लोग डीबी नहीं ले रहे, इसमें लियोन लेके खेल रहे, तो लियोन भी आपको बहुत काम आने वाला। ठीक है, तो ये कैटर कॉम्बिनेशन बेस्ट है आपका के साथ।